नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक भीषण बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी से पूरे प्रदेश में भीषण ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। गढ़वाल और कुमाऊं के ऊंचाई वाले इलाके जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मुनस्यारी और आसपास के इलाकों में बर्फबारी होती रही, जिससे वहां बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। देखें ये तस्वीरें, किस तरह से ठंड से कांप रहे हैं पहाड़। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कई शहरों में रास्तों और घरों पर कई इंच तक बर्फ जम गई है। कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले दो दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। हालात ऐसे हैं कि कश्मीर में ठंड रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। बर्फबारी ने कश्मीर में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ येलो अलर्ट भी जारी है। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ डल झील जम गई है, पेड़ पौधे जम गए हैं, गाड़ी और घर सब कुछ जम गया है। ऐसा लग रहा है सब बर्फ से ही बना है। जहाँ तक नजर जा रही है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ का नजारा है। बर्फ और माइनस तापमान से सब थम गया है, सब जम सा गया है। भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा जिलों में बिजली और सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। सोलंग नाला में भी भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। बर्फबारी की वजह से पर्यटकों की गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं। हिमपात के बीच फंसे पर्यटक मदद की गुहार लगा रहे हैं। तापमान 0 से नीचे है। कर लिए
तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। चार धाम में से एक प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के आसपास 5 फुट मोटी बर्फ की चादर जम गई है। आप भी देखिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।